नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, जहां प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। विधानसभा सत्र में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साल 2021-22 की गिरदवारी 28 फरवरी को खत्म हुई है, उसके बाद जो फसल खराब हुई उसकी गिरदवारी 1 मार्च से शुरू होगी। सदन की कार्रवाई में विधायक राम निवास ने पूछा, क्या बेलरखा, मोहलखेड़ा, नरवाना और इस्माइलपुर में बारिश की वजह से करीब 3500 एकड़ भूमि को नुकसान हुआ है। कृषि मंत्री जवाब देते हुए कहा कि इन जगहों पर राज्य सूखा और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने 24 जनवरी की बैठक में कहा था कि बीएमएल बरवाला लिंक चैनल के निर्माण में 735 लाख और 20 लाख की दो परियोजनाओं की स्वीकृति दी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सोहाना में पंचगांव से मोहम्मदापुर और तावड़ा सड़क की मरम्मत और नवीनीकरण का काम होगा। विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा, जिस पर करीब 2 घंटे विस्तार से चर्चा होगी और आवारा लवारिश पशुओं के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। 4 और 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसका 7 मार्च को सीएम मनोहर लाल अभिभाषण का जवाब देंगे। वही हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे और 9 मार्च से 11 मार्च तक बजट सत्र में अवकाश रहेगा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में 14 से 16 मार्च तक प्रदेश के बजट पर चर्चा होगी और 17 मार्च को बजट सत्र में फिर अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 6वें चरण के तहत गोरखपुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर रोड स्थित स्कूल में जाकर वोट डाला। वे गोरखपुर में वोट डालने वाले सबसे पहले मतदाता रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए बनाए गए सभी केंद्रों पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है और अति संवेदनशील और संवेदनशील गांव में भी पुलिस को सतर्क किया गया। बिहार नेपाल से सटे सीमा के जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दूसरे प्रदेश से जुड़ने वाली नदियों में नाव की मदद से पुलिस निगरानी की रख रही है। गोरखपुर जिले के 293 सेक्टर में बांटकर ड्यूटी लगाई गई है। 27 जगहों पर यहां पर बैरियर लगाए गए हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल में 585 कंपनी अर्धसैनिक बल के तैनात किए गए। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव आज अपने 6वें चरण में प्रवेश कर चुका है। सभी मतदाताओं ने पीएम मोदी का विनम्र आग्रह किया है कि वे वोट के साथ इस उत्सव में जरूर शामिल हों। आप एक एक करके मत दीजिए और लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाइए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए जनता से मतदान करने की अपील की। उन्होंने लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लेकर लोकतंत्र के सजग नागरिक का दायित्व निभाएं। पीएम मोदी आज यूपी के जौनपुर के दौरा करेंगे और जिले के प्रत्याशियों के हित में जनता से वोट की अपील भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रत्याशी के हक में वोट की अपील करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी के सोनभद्र और वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सोनभद्र के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करेंगी और करीब 2 बजे चंदौली में जनसभा करेंगी। प्रियंका गांधी दोपहर करीब 3:30 बजे वाराणसी कैंट के पीएमआई कॉलेज में रैली करेंगी और शाम 5 बजे डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगी। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 1 जून 2022 तक एक मुश्त और या फिर 6 किस्तों में बकाया ऋण की राशि जमा करवाकर ब्याज की राशि में 100% छूट का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत उन महिला ऋणों को कवर किया गया है जिनका 31 मार्च 2019 तक के निगम को ऋण भुगतान के लिए दिया गया था। ये योजना 31 मार्च 2019 तक के लिए डिफॉल्ट रूप के मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके बाद मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी।
छूट का लाभ ऋण को बकाया मूलधन को अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा और योजना के लाभार्थी कम से कम एक साल के अंतराल के बाद भी भविष्य में एक और ऋण लेने का पात्र हो सकेंगे। प्रदेश सरकार की योजना 1 जून 2022 से लागू रहेगी, इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला, रेवाड़ी और गुरुग्राम जोन के 17 खुदरी बिक्री ड्रग्स लाइसेंसी निलंबित और 4 खुदरा के साथ एक थोक विक्रय ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा है कि राज्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों को अच्छी और बेहतर दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। गुरुग्राम जोन के 8 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंसी को निलंबित किया गया है जबकि 4 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाइसेंस को कैंसिल किया गया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई गई है उससे अधिक रोजगार उत्पन्न होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने स्टार्टअप पॉलिसी और आईटी ESDM पॉलिसी, ऑक्सन पॉलिसी और डाटा सेंटर पॉलिसी, MSME पॉलिसी और टेक्सटाइल पॉलिसी, फूड पार्क पॉलिसी, इलेक्ट्रिक पॉलिसी, वेलफेयर हाउस पॉलिसी के ड्राफ्ट की यहां पर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उक्त सभी पॉलिसी को जल्द से जल्द बनाएं और आधुनिक जरूरतों का ध्यान में रखकर ही फाइनल किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी का भी अध्ययन करने के निर्देश देते हुए कहा कि वो चाहते कि हरियाणा सरकार द्वारा तैयार की गई पॉलिसी सबसे बेहतर हो ताकि राज्य में अधिक निवेश हो सके। उन्होंने आईटी कंपनियों और डाटा सेंटर को भी यहां पर बिल्डिंग के लिए आवश्यक मानकों में योजित परिवर्तन करने के निर्देश दिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूस के हमले में यूक्रेन में अब तक 752 आम लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा 1 मार्च तक का बताया जा रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस की बमबारी जारी है। खार्किव के साथ साथ सेवरोडेंटिस्क शहर में भी बमबारी जारी है। कहा गया है कि किंडरगार्टन स्कूल के बेसमेंट में 10 लोग फंसे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता के नाम संदेश दिया है। कहा गया है कि सभी घुसपैठियों को समझाना चाहिए, उनको यहां कुछ नहीं मिलेगा। रूसी सेना ने दावा किया कि यूक्रेन के खेरसोन शहर में उनका कब्जा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ से यूक्रेन का दावा है कि 2 मार्च को उन्होंने रूस के 3 प्लान और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। वही नारायणगढ़ के हर्ष सैनी ने कहा है कि 24 तारीख को सुबह 5 बजे के करीब बम धमाकों की आवाज से जगे तो पता चला कि युद्ध शुरू हो गया है, अब थमने का नाम नहीं ले रहा। वही निधि ने बताया है कि हमने मालदोवा और रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके फ्लाइट पकड़ी है, वहां हालत बेहद खराब है। यूक्रेन में फंसी पलवल की छात्रा के वॉइस मैसेज से परिजनों में आंसू छलका है। छात्रा ने अपने परिजनों को फोन करके आपबीती बताई। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में हरियाणा के सैकड़ों छात्र फंसे। इस दौरान हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर का कंट्रोल रूम फरीदाबाद में बनाया। वही इस कंट्रोल रूम में जहां पूरे हरियाणा में अभिभावक अपने बच्चों से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच एक बच्ची के 4 दिन से भूखे और रहने की वजह से वाइस मैसेज के बाद जिला प्रशासन की टीमें छात्रों के परिजनों को यहां पर दिलासा देने के लिए उनके घर पहुंची। करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने प्रदेश के तमाम परियोजनाओं को भरोसा दिया है कि यूक्रेन में फंसे एक एक भारतीय को सुरक्षित वतन लाया जाएगा। यूक्रेन मामले में आर्ट ऑफ विलिंग के संस्थापक श्री रविशंकर ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे बच्चों की मदद के लिए सरकार प्रयासरत है। श्री रविशंकर ने कहा कि शांति की एकमात्र उपाय है बातचीत कर मामले को सुलझाया जाना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग भारतीयों की मदद कर रहा है। श्री रविशंकर ने कहा कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उन्होंने कहा है कि पोलैंड के आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में बच्चों के रहने की तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय हरियाणा वासियों को लेकर चिंतित करते हुए कैबिनेट मंत्री कल्पना भुजेल ने कहा है कि हालत पर नजर रखी जा रही है।
कल्पा गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बात की है और सभी प्रदेशवासियों की सकुशल वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश के लगभग 4000 आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में बदला जाना है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इन प्ले स्कूलों में 3 साल तक के बच्चों को रखा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार कौशल विकास के तहत भर्ती कर रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यालय में बिना किसी नियम को लागू किए भर्ती की थी, जिसके चलते टीचर्स के भविष्य को अंधेरे में छोड़ दिया गया है। बीजेपी सरकार ने इन टीचरों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री तंडोदय परिवार उत्थान मेले में बल्लभगढ़ खेड़ के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की तरफ से किया गया। पलवल में सफाई पर पिछले 1 साल में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, इसके बावजूद शहर में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। नगर परिषद ने निजी कंपनी को 1 साल की सफाई का 8.54 करोड़ रुपए दिए हैं और ताकि डोर टू डोर कलेक्शन हो सके और शहर में साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। पिछले 1 साल से हर घर में कूड़े का कलेक्शन तक नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि सिर्फ सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, जमीन पर इसका कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा। फतेहाबाद में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के गेट पर घेराव किया है और डीसी ने ना मिलने से खफा किसानों ने लघु सचिवालय के गेट पर ज्ञापन की यहाँ पर प्रति जो है वो चिपका दी। किसानों को कहना है कि डीसी को सूचना देने के बाद भी किसानों से वो नहीं मिले। साथ ही किसानों ने कहा है कि 14 मार्च को दोबारा से करेंगे लघु सचिवालय का घेराव। रतिया में नगर पालिका के 3.5 एकड़ जमीन पर बनने वाले ऑक्सीजन पार्क की जगह अवैध रूप से सरसों की बिजाई की गई। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के मामले का पर्दाफाश करने के बाद नगर पालिका अधिकारी हरकत में आए। आनंद फानंद में नगर पालिका के दर्जन कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कच्ची सरसों ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कम्युनिटी सेंटर में पहुंची। वही शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के सदस्यों ने नगर पालिका अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। सोनीपत में नगर निगम कार्यालय में अग्निशमन नगर पालिका और सर्व कर्मचारी संघ ने रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कर्मचारी और ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, सम्मान का सम्मान वेतन दिया जाए। पिछले काफी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के प्रति आक्रोशित जता रहे हैं और ऐसे में चौकीदारों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और एक ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीण चौकीदारों के इस धरने का समर्थन सर्व कर्मचारी संघ ने भी किया है। ग्रामीण चौकीदारों की मांग थी कि उनका वेतन बढ़ाया जाए और सम्मान काम सम्मान वेतन लागू किया जाए। पलवल में पंप पर सीएनजी के पैसे मांगने पर ऑटो सवार बदमाश द्वारा कर्मचारी के साथ मारपीट और नकदी के साथ फोन लूटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी तलाशी भी लगातार जारी है। पानीपत की बाबरपुर गांव में मोड़ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बाइक पर जा रहे 2 युवकों को हरियाणा रोडवेज की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। वही हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है तो वही दूसरा युवक बाल बाल बच गया है। बस चालक मौके से फरार हो गया, पुलिस तफ्तीश में जुटी। रादौर के छोटा बास में तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मंदिर की दीवार से जाकर टकरा गई। दुर्घटना के समय कार का बैलून खुलने से कार सवार बाल बाल बच गया। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, इलाज लगातार जारी। जानकारी के मुताबिक घायल युवक बाइक से गांव कुंजल जटाना जा रहा था, तभी उनकी बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई।
गुरुग्राम के बाजखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे इंसान का कटा हुआ हाथ मिला है, जिससे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। भिवानी के गांव बिरन में अज्ञात हमलावरों ने गांव के युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने बाद में उसे तोशाम रोड पर डाल दिया है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस तफ्तीश में जुटी। घरोंडा में निजी स्कूल में दूसरे कक्षा की छात्रा के साथ मारपीट की गई है और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। बच्ची की मां ने पुलिस को मामले की शिकायत की। निजी स्कूल संचालक ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि जमा की गई हुई फीस वापस लौटाने के लिए बच्ची के परिजन दबाव बना रहे थे, पुलिस शिकायत की छानबीन कर रही है। करनाल के सेक्टर 32 में बनी झुग्गी झोपड़ियों में अचानक से आग लगी। इस दौरान झुग्गियों में रहने वाले परिवारों में हड़कंप मच गया। आग की लपेट 8 से 10 झुग्गियां जल गई है, जिसमें रखा सारा सामान खाक हो चुका है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुरुग्राम में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मारपीट की गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। चरखीदादरी में कोहरा के चलते गांव रानीना के समीप तेज रफ्तार कार और निजी स्कूल बस में टक्कर हो गई है। गनीमत रही कि बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित। हालांकि कार और बस क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वही सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आगे की तफ्तीश जारी है। तो शाम भिवानी मार्ग पर बीरन गांव में 24 साल का शख्स का शव मिला है। सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रादौर के एसके मंडी चौक के पास एक किराने की दुकान में लाखों के सामान और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर चोर मौके से फरार हो गए, वारदात सीसीटीवी में कैद। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 6561 केस, 142 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 77,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 325 केस, 4 की दरमियान मौत। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, एक दिन में 232 केस, 4 की मौत, एक्टिव केस की संख्या 1500 के पार। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो रहा है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 2022 के बाद टीम इंडिया जून में आखिरी हफ्ते में आयरलैंड का दौरा करेगी और दोनों टी20 मैच 26 और 28 जून को मलाहार में खेले जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 4 मैच से मोहाली में होने वाले टेस्ट मैच को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने टेस्ट में 50% दर्शकों की इजाजत दे दी गई है। पहले मुकाबला बिना दर्शकों के होने वाले थे। श्रीलंकाई टीम ने क्रिकेट इतिहास में अब तक भारतीय जमीन पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। टीम ने सबसे पहले भारत दौरा 1982 में किया था।